सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के B25 प्रो फोन के बारे में। हैं सो इंडिया में लॉन्च होने वाला है 17 तारीख को वीवो का B25 प्रो फोन, एंड इसी के बारे में हम आप लोग को बताने वाले हैं इसके कॉल रिकॉर्डिंग फाइल के बारे में। हाँ दोस्तों, इसमें गूगल डायलर देखने को मिल जाते हैं, एंड गूगल डायलर में अगर हम यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग करते तो उसकी फाइल कहीं पे सेव नहीं होती है। फाइनली इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ गूगल डायलर के कॉल रिकॉर्डिंग फाइल के बारे में, जो कि कॉल रिकॉर्डिंग फाइल जब हो जाती है उसकी फाइल कहाँ पे सेव होती है, इसी के बारे में आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं वीवो के B25 प्रो फोन में। तो फाइनली दोस्तों, मैं आप लोग को इसी के बारे में बताने वाला, एक और सेटिंग आप लोग को बताऊंगा कि गूगल डायलर को आप रिमूव करके एंड यहाँ पे ऑफिशियल वीवो का डायलर इसमें चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लस सेटिंग आप लोग को मिल जाते हैं वीवो के B25 प्रो फोन में। तो मैं आप लोग को इन दोनों सेटिंग के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं, इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के B25 प्रो फोन के कॉल रिकॉर्डिंग फाइल के बारे में। हाँ दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग फाइल कहाँ पे सेव होती है इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में हम बताएंगे गूगल डायलर को रिमूव करके एंड ऑफिशियल डायलर वीवो का चेंज कर सकते हो। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोगों को चल के बता देते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे जो कि गूगल डायलर में जो हमारा कॉल रिकॉर्डिंग होता है उसका फाइल कहाँ पे सेव होता है। तो यहाँ पे हमारे फोन में पहले जो कि यहाँ पे हमारे फोन में गूगल डायलर था, यहाँ पे हमने गूगल डायलर को रिमूव कर रखा है अपने फोन में। इसे आपको कैसे लाना वापस हम बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम गूगल डायलर को पहले वापस अपने फोन में ला लेते हैं, उसके बाद आप लोग को बताते हैं यहाँ पे कि कैसे आपको यहाँ पे जो गूगल डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग होती है उसकी फाइल कहाँ पे सेव होती है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, पहले इसका एक कोड होता है, कोड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं *#*#, उसके बाद हम डालेंगे 55666, उसके बाद हम 88, उसके बाद *#*#, यहाँ पे कुछ इस तरीके का सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पे हम इसे ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा जो गूगल डायलर था वापस आ चुका था। यहाँ पे हम गूगल डायलर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जब हम गूगल डायलर पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा जब किसी भी नंबर पे हम बात करते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे हम इस वाले नंबर पे बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे कोई नंबर यहाँ पे डायल करते हैं, तो जैसे 198 पे हम डायल करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने के बाद हमारे फोन में ये कॉल रिकॉर्डिंग तो इनेबल हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कॉल रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे इनेबल कर दिए हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जब इसका कॉल रिकॉर्डिंग फाइल में जो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है फाइल में सेव देखने को नहीं मिलता, आपके जो फाइल मैनेजर है गूगल का उसमें सेव नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो गूगल डायलर का फाइल मैनेजर उसके अंदर आपका सेव नहीं होता, यहीं पे आपको ये कॉल रिकॉर्डिंग का फाइल देखने को मिल जाता है। लेकिन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इस कॉल रिकॉर्डिंग जो करते हैं आप गूगल डायलर से, उसे कैसे अपने गूगल फाइल में सेव करके रख सकते हो, एंड कैसे उसे आप चेक कर सकते हो, एंड कैसे उसे सुन सकते हो, तो मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको क्या करना है, आपको गूगल डायलर को रिमूव करना है, एंड वीवो का ऑफिशियल डायलर जो होता है उसे आपको अपने फोन में इंस्टॉल करके यूज करना है वीवो के B25 प्रो फोन में। तो यहां पे आपको गूगल डायलर में आ जाना, यहां तो अगर आपके फोन में सेटिंग है तो सेटिंग में आओगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा एप्स का ऑप्शन, एप्स वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको नीचे में मिल जाएगा यहाँ पे इनेबल फोन एंड कंटेंट, फोन एंड कंटेंट पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनेबल फोन एंड कंटेंट, यहाँ पे आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑन करना, ऑन करते ही आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेट नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेट नाउ पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे डायलर मिल जाएगा जो कि वीवो का ऑफिशियल डायलर, ऊपर आपको मिल जाता है गूगल डायलर, तो नीचे आपको टिक करना है, उसके बाद आपको बैग आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जो गूगल डायलर था यहाँ से रिमूव हो चुका है, हमारे फोन में ऑफिशियल जो कि वीवो का डायलर जो होता है वो आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें अगर आप कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो आपकी जो गूगल फाइल है उसके अंदर सेव हो जाती है, उसके अंदर जाके आप सुन सकते हो एंड अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, सबूत के तौर पर यहाँ पे आप सुन भी सकते हो कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग को। तो यहाँ पे मैं फिर से कॉल लगाता हूँ, एंड कॉल लगाने के बाद यहाँ पे हम दिखाते हैं कॉल रिकॉर्डिंग हमारे फोन में ऑटोमेटिक से ऑन हो चुका है। तो यहां पे आप देख सकते हो हमारे फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक से ऑन हो चुका है, एंड कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है।
और हर यहाँ पे हम फोन को कट कर दिए। उसके बाद हम यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग जो फाइल है ये कहाँ पे सेव हुआ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आना अपने गूगल वाले फाइल में। फाइल में आने के बाद उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटरनेट स्टोरेज, स्टोरेज पे आओगे उसके बाद आपको नीचे आना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको एक रिकॉर्डिंग का फाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना, उसके बाद आपको रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर जैसे क्लिक करोगे कॉल, उसके बाद आपको यहाँ पे जितने भी आप बात करेंगे, जितने भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी, यहाँ पे सभी फाइल आपकी देखने को मिल जाएगी। जो कि मैंने यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन किया था एंड मैंने जितने भी बात किया था, जितने भी यहाँ पे हमारा कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है, यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सुनाता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस का। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमारा जो कितने तारीख को हमारा कॉल रिकॉर्डिंग हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे 16 अगस्त यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं जितने भी हमारे कॉल रिकॉर्डिंग पे बात होते हैं सभी यहाँ पे हमारा सेव हुआ हुआ देखने को मिल जाता है। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जियो कंपनी में फोन लगाया था, तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एक मिनट पहले यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका इस वाले गूगल डायलर में, जो कि गूगल डायलर में जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है सेव कहीं पे नहीं होती है, लेकिन आपके जो विवो का ऑफिशियल डायलर है इसके अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करते हो, इसके अंदर आपकी फाइल में अंदर सेव हो जाती है एंड उसके यहां से आप सुन सकते हो एंड देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्लिक करना सेटिंग देखने के लिए। इसका सेटिंग आपको मिल जाता है यहाँ पे, जो पहले पुराना फोन का सेटिंग मिलता था ये सेटिंग आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक ऑल और ऑल कॉल कॉल कॉल्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे जो भी सेटिंग आपको करना है इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे ब्लॉक इनकमिंग कॉल्स एंड यहाँ पे आपको ये सेटिंग मिल जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पीड जो कि डायलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत सारे ऑप्शन इस डायलर के अंदर जो कि हमें गूगल डायलर के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये फीचर जो है बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसे आप अपने वीवो के B25 प्रो फोन में आप चेकआउट कर सकते हो। फाइनली जो कि वीवो का B25 प्रो में ये आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस गूगल डायलर को चेंज करने का सेटिंग के अंदर में ऑप्शन देखने को नहीं मिलता तो आपको यहां पे कोड का यूज करना *#*#, उसके बाद आपको 55668#*#*#, यहां पे आपको इस तरीके का सेटिंग देखने को मिलेगा, यहां से आप इनेबल कर सकते हो। फाइनली इस कोड को हम वीडियो के अंदर मेंशन कर देंगे। तो फाइनली मैंने आप लोग को पूरे डिटेल में इस वीडियो में बता दिया हूं कैसे आप वीवो के B25 फोन के सेटिंग से आप कैसे कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो एंड कैसे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड यहां पे आपकी जो गूगल डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग होती है उसकी फाइल कहां पे सेव होती है उसके बारे में भी आप लोग को इस वीडियो में बता दूं एंड यहां पे आप वीवो का ऑफिशियल डायलर को चेंज कर सकते हो एंड गूगल डायलर को रिमूव करके। तो फाइनली मैंने आप लोग को सब कुछ डिटेल में बता दिया हूं वीवो के B25 प्रो फोन में आप कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय दोस्तों।